राधे राधे। राधा राधा राधा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। हेलो माय फ्रेंड्स, राधे राधे। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीव्यू में आपने देखा ही होगा मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऐसी एडिटिंग मैं आपको सिखाने वाला हूँ। प्लीज़ गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरी वॉच करना। चलते हैं एडिटिंग की ओर। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंपली एक VPN डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और VPN को आपको कनेक्ट कर लेना है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको थोड़ा ये वेट करना है, आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। सो मेरे भाई, आप देख सकते हैं हमारा VPN सिंपली कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कैपकट एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ये भी आपको मिल जाएगी क्रोम पर। क्रोम पर आपको सर्च करना है कैपकट APK, ये आपको सर्च करना है और वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद ये आपके सामने कुछ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा मेरे भाई, आप देख सकते हैं। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस आप देख सकते हैं आप अपने गैलरी में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। इसमें आने के बाद आपको कुछ क्लिप लेने हैं यहाँ से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी मैं इसमें क्लिप का यूज़ करूँगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम जल्दी जल्दी से अपने क्लिप यहाँ से ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमने अपने क्लिप यहाँ से ऐड कर लिए। आप देख सकते हैं हमारे क्लिप ऐड हो चुके हैं। एंड में मेरे भाई आपको एक कैपकट का लोगो दिख रहा होगा, इसको सिंपली आपको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद सिंपली आपको फर्स्ट पार्ट में आना है। इसमें आने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये रहा हमारी क्लिप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी ये क्लिप है। फर्स्ट में आपको यही क्लिप लगाना है, अगर जब आप एडिट करने जाओगे तो फर्स्ट में आपको यही क्लिप लगाना है जिसमें मैंने वॉइस लगा के रखी है, और सेकेंड में आपको ये वाला क्लिप लगा देना है, और थर्ड में आपको ये वाला क्लिप आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। मैं क्लिप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप फिर अपने हिसाब से भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मेरे भाई एक ऑप्शन दिख रहा होगा बीच में माइनस का, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन शो होंगे इफेक्ट, तो आपके सामने एक ब्लैक फेड का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इफेक्ट दिख रहा होगा। इस पर मेरे भाई आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई टू वॉल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, अप्लाई टू वॉल पर सिंपली ये हो जाएगा 0.7, इसको रखना है और अप्लाई टू वॉल पर क्लिक कर देना और यहाँ से डन कर देना। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सारे क्लिप पर अप्लाई हो चुका है ये वाला इफेक्ट। आप देख सकते हैं इस इफेक्ट से क्या जो आया है, आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक आता है, आप देख सकते हैं ब्लैक आता है, ब्लैक इफेक्ट, तो इससे थोड़ा बढ़िया लगता है मेरे भाई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकेंड इसमें आना है, सेकेंड क्लिप में, और इसको आपको क्या करना है, एनिमेशन का मेरे भाई आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई सा भी एनिमेशन ले सकते हो, पर यहाँ से गाइस बेकार लगते हैं एनिमेशन, आपको लेने हैं सिर्फ कॉम्बो के एनिमेशन। कॉम्बो में आपको बढ़िया बढ़िया एनिमेशन मिल जाएंगे एनिमेशन, तो आपको यही एनिमेशन लेने हैं मेरे भाई। तो यहाँ से जैसे कि हम एक ये वाला ले लेते हैं, स्ट्रेच वाला, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं फिर से देखना गाइस कितने अच्छे तरीके से आ रहा है, जैसे ही हमने ये इफेक्ट अप्लाई किया इसके बाद एकदम बढ़िया तरीके से ये आ रहा है। आप यहाँ से अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज़ कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। तो जैसे सेकंड क्लिप में मैं ये कर लेता हूँ, डिस्टॉर्ट लेफ्ट का ये वाला लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है हमारा इफेक्ट। तो इसमें लगा देते हैं हम सवे इनका लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये कैसे घूम के आ रहा है हमारा क्लिप, आप देख सकते हैं घूम के आ रहा है, तो बढ़िया लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है। तो इस क्लिप में भी हम लगा देते हैं कुछ इफेक्ट, तो जल्दी जल्दी से हम यहाँ से अपने इफेक्ट लगा देते हैं। सो मेरे भाई, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में इफेक्ट यहाँ से सिंपली लग चुके हैं, तो आप ये ऐसे ही लगा सकते हो आसानी से। तो मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आना है। नीचे आपको मेरे भाई एक इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मेरे भाई शो हो जाएंगे। इस पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, वो होगा ब्लैक फ्लैश का, ये आपको मेरे भाई यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपको इसको सिलेक्ट करने के बाद ऐसे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको आगे की तरफ आपको ऐसे लेकर जाना है, इसको ऐसे एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लैक फ्लैश आ रही है हमारी वीडियो में, तो काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है इससे हमारी वीडियो। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको एडजस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, एडजस्ट का ऑप्शन पर सिंपली आपको मेरे भाई क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देंगे, और कंट्रास्ट को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ से। तो पहले हम ये फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ से,
वो इतना लेने के बाद कंट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, सेचुरेशन को भी, और ब्रिलियंस को भी थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं, शार्पन को भी मेरे भाई थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं। एससीएल पर आना है, एससीएल के रेड कलर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, लाइटनेस को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ से आप कोई सा भी कलर छेड़ सकते हो मेरे भाई, डिवाइडेड अलग अलग पार्ट में आपको कलर मिल जाएगी, तो यहाँ से आप अपना कलर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे वो कम कम कर देते हैं सेचुरेशन को ज़्यादा, तो यहाँ से हम जल्दी जल्दी से ये एडजस्ट कर देते हैं। सो मेरे भाई यहाँ से फिर आपको डन कर देना है, और इसकी लेंथ को आपको पूरा रखना है वीडियो के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं अब हमारी वीडियो कितनी प्रोफेशनल लग रही है, एचडी क्वालिटी में कितना क्लियरिटी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्लियरिटी आ चुकी है हमारे वीडियो में। तो अगर मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।